उत्तर प्रदेश के सीएम और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। यूपी के सीएम को हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पीएम मोदी का, जिन्होंने ट्वीट कर सीएम योगी की लंबी आयु की कामना की और ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के गतिशील और मेहनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई। उनकी अगुवाई में प्रदेश रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बीजेपी नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। इनका जन्म 5 जून 1972 को पिथौरागढ़ के पंचूर गांव में हुआ था। एक सामान्य परिवार में जन्मे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना सियासी सफर गोरक्षपीठ की आध्यात्मिक धरा से किया था और सत्ता के राजयोग में वो अब यूपी के सीएम पद तक पहुंच गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान देश के उन सख्त छवि वाले मुख्यमंत्रियों में की जाती है, जो कि उपद्रव और किसी भी प्रकार की अराजकता की स्थितियों में सख्त फैसला ले सकते हैं। साल 1998 में जब महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर के सांसद रहते हुए राजनीतिक संन्यास का ऐलान किया, तो उन्होंने अपनी सीट और अपना उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को ही बनाया। 1998 के ही साल योगी के राजयोग की शुरुआत हुई और वह मात्र 26 साल की उम्र में देश की संसद में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसदों की कतार में शामिल हो गए। इसके बाद योगी लगातार 5 बार गोरखपुर सीट से सांसद बने और उन्होंने पूर्वांचल की तमाम अन्य सीटों पर भी अपने रसूख का खासा प्रभाव डाला। उनके परिवार की बात करें तो एक सामान्य परिवार में जन्मे योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है, उसकी राज्य सरकार के साथ फॉरेस्ट रेंजर के रूप में काम करते थे। वहीं माँ सावित्री देवी अब भी एक सामान्य गृहिणी के रूप में जीवन व्यतीत करती हैं। इस साल ये पहला वाक्य है कि सीएम योगी अपने पिता के बिना अपना जन्मदिन मनाएंगे। हालांकि संन्यास लेने के बाद से ही सीएम योगी अपने परिवार के साथ नहीं रहते। कुछ वक्त पहले इसी साल सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ है। ऐसे में यह पहला जन्मदिन है जब सीएम योगी पिता की गैर मौजूदगी में अपना जन्मदिन मनाएंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड से ही की है। उन्होंने श्रीनगर जिले में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी तक पढ़ाई की थी। शिक्षा के दौरान ही योगी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के सदस्य के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और इसी दौरान गोरखपुर में उनका परिचय गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ से हुआ। महंत अवैधनाथ को यूपी की सियासत के रसूखदार चेहरों में से एक माना जाता था और पूर्वांचल की राजनीति पर भी उनका खासा प्रभाव था। अवैधनाथ ने योगी की राजनीतिक क्षमता को भांपते हुए उन्हें अपना शिष्य बना लिया और फिर अजय सिंह बिष्ट का नाम बदलकर उन्हें योगी आदित्यनाथ के रूप में नई पहचान दी। और ये सीएम योगी ही हैं जिन्होंने यूपी की सत्ता को संभालकर उसे एक नई दिशा और दशा दी। और आज योगी आदित्यनाथ की गिनती भाजपा के स्टार प्रचारकों में होती है। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद चुनाव के दौरान योगी की रैलियों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।